एक्सरसाइज नंबर 4.7 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पी माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो वी हैव ए इक्वल आ जाएगा पी के बी इक्वल आएगा माइनस ब्रैकेट में पी माइनस क्यू के सी इक्वल आ जाएगा माइनस क्यू के नो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू बी की वैल्यू रखेंगे माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू रखेंगे पी और सी की वैल्यू आएगी माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस पी माइनस जो क्यू है ये हमारे पास बनेगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस फोर पी क्यू इक्वल्स टू फार्मूला ओपन होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू सात प्लस फोर पी क्यू एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल्स टू ये फार्मूला बनेगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्योंकि हमें पता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के तो ये भी उसी तरह फार्मूला बन रहा है एज डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में डी आ रहा है जो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है इसका मतलब कि रूट्स आर रैशनल। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त 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 तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।